मेरी बात तो सुने ना। क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? तुम्हारी बहन ने मेरी बेटी का घर तबाह किया। इतनी एहसान फरामोश है अतिया। वो ये समझ रही थी कि नूर को घर से निकलवाकर उस घर में सारी जिंदगी ऐश करेगी, लेकिन नहीं, फैसला तो ऊपर वाला करता। मैं आपको कैसे समझाऊं, अतिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अरे मैं बच्चा नहीं हूँ शगुफ्ता, सब जानता हूँ। अतिया ने मेरी बच्ची नूर के साथ जैसा किया वैसा ही उसके सामने आया। अब वो किस मुंह से इस घर में रहने आई है? वो हमें अपना समझकर यहाँ आई है। अपने ऐसे होते ससुराल जाकर तुम्हारी खाला औकात भूल गई। अब मैं उसको इस घर में नहीं रहने दे सकता। अबू, आपको जो बताया गया है बहुत गलत बताया गया। तुम इस मामले से दूर रहो इमाम। सॉरी अबू जी, आपकी बेटी ने जो अतिया के साथ किया वो किसके कहने पे किया? जो आज वो कर रही है वो किसके कहने पे कर रही है? और यहाँ तक के हम सबको, किसी को भी उसकी खबर नहीं है कि वो कहाँ है इस वक्त। माजद के साथ अब्बू, नूर जितनी खुश बेवा होकर है उतनी खुश वो कभी सुहागन होकर नहीं थी। नूर ने जो जूस अतिया को पिलाया उसके नतीजे जानते हैं आप? नूर आपसे बार बार कहती रही कि अतिया झूठ बोल रही है, बहाने कर रही है। वो सचमुच एडमिट थी हॉस्पिटल में, उनका ऑपरेशन हुआ, उनकी जान बच गई। मगर मगर क्या? अतिया कभी भी मां नहीं बन सकती। लेकिन मैं ये कैसे यकीन कर लूं कि ये सब नूर की वजह से हुआ है? मेरी बहन को कैसा नसीब हुआ? ना मैं उसके हक में बोल सकती, ना उसे उसका हक दिला सकती। कुछ नहीं कर सकती मैं अतिया के लिए।